अहमद अब्दुल्ला गरीब खासगी आयटीआय मध्ये जे अद्ययावत सुविधा आहेत त्याचा फायदा प्रशिक्षणार्थींना औद्योगिक क्षेत्रात पाऊल टाकताना नेहमीच होत असतो, ज्यामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रत्येक विभागातील फेस रीडर, डिजिटल क्लासरूम, स्टेट ऑफ आर्ट लायब्ररी आहे, संशोधनासाठी इनोव्हेशन लॅब, प्रदर्शनासाठी एक्झिबिट लॅब, गणितासाठी मॅथ्स लॅब आणि अधिक माहितीसाठी ॲडव्हान्स लॅब आहे. आम्ही कॅम्पस इंडोर तसेच इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स आयोजित करतो, त्याचबरोबर विविध मैदानी खेळ व व्यायामशाळेची सुविधा देखील देतो. प्रवेश घेण्यासाठी पुढील नंबरवर कॉल करा. मुमरा की दुख भरी कहानी सुनिए मुमरा वासी की जुबान. मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है. 17 सितंबर गुरुवार के ही दिन मुमरा के एक किसी निवासी ने अपना एक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल किया है. वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का दर्द छलक रहा है इस मुमरा वासी की बातों से, क्या क्या लोगों के दिल दिमाग में चलता है. सत्ता के आगे कोई बोल नहीं पाता है, सत्ता के आगे किसी की कुछ चलती नहीं है. किस तरीके का आज भी मुमरा कौन सी जकड़ में है, कौन सी पकड़ में है, ऐसे कई सवाल खड़ा करता है. ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पर रहे जाओ तुम, जाओ फड़ो, जाओ आगे लो, ए ए ए जलाना है, जलाना है, चला दे, वो नहीं उठाए था इसके से. हाँ बना तो दिया मैंने, पत्थर दिखाई और ये बोल नहीं, बोल बोल बोलना, ये देखो, ये है नए धान के बंगले का सामने का रोड और ये हो रहा है रोड की रिपेयरिंग का काम. किस तरह से होता है मुमरा का काम, बड़े बड़े यहाँ के नामचीन नेम खान देखो, उनके बंगले के सामने का काम है. आमदार जो है चोर आमदार का एक काम है, एक गोली में लाया एक शख्स ने पत्थर और वही लाके डाल दिया उसने. बस ये है मुमरा का भविष्य और ये है मुमरा का विकास और ये है मुमरा का विकास. और ये देखो आज गरीबों के लिए कुछ नहीं बन रहा है. और ये है मुन्ना साहिब का होटल जिसमें कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं है. और जो कुछ है ये एक्स्ट्रा इन लीगल जो है इसने आगे बढ़ा लिया काम, वो इसका कोई राइट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इसको रोकने वाला कोई नहीं है इस मुमरा के अंदर में. गरीब बिल्डरों पे कार्रवाई हो सकती है, हाँ गरीब बिल्डर पे कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो सकती है, गरीबों की चालियों को हाथों चलते हैं, लेकिन इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि इनको पूरी छूट दी गई प्रशासन की तरफ से, आमदार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई छूट मिली इनको कि ये कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं. लेकिन ये आम आदमी, एक आम आदमी अपने लिए रोड पे ठेला भी लगा नहीं सकता है, उस पर कार्रवाई होती है.